पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, जिसको लेके सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। आज हम हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चुरचुरा नामक स्थान पे। यहां पर बीजेपी में 200 मुस्लिम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 200 लोग बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मोइनुद्दीन रहमान जी। आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि क्या कहना है इनका इस विषय पे। सर ये बताइए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जो मुस्लिम हैं बीजेपी को इतनी भारी संख्या में कैसे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? सर सबसे पहला बात है, जो भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है जी, और हमारा जो प्रधानमंत्री है देश का माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो काम किया है खाली पश्चिम बंगाल नहीं, ऑल भारत वर्ष के उन्होंने इस कोरोना का जो महामारी जो किया है जी, और पश्चिम बंगाल में जो कोरोना भी आया था, आम्फान भी आया था जी, इसमें से हमारा प्रधानमंत्री उन्होंने कोई ना हिंदू देखा ना कोई मुस्लिम देखा, उन्होंने उनका हिसाब से उनको उन्होंने उनका फर्ज निभाया है, अभी तक निभा रहा है। और अगला दिन पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो चुपचाप खामोश है, वो बीजेपी को बैलेट में बात करेगा जी। ममता दीदी इतना जोर लगा रही हैं मुसलमानों के लिए, तो जय श्री राम से भी दूरी बना ली, कि राम से भी दूरी बना ली, तो क्या मतलब? सर ये भी एक बात बताएंगे, देखिए जय श्री राम जो है हमारा, हम तो मुस्लिम है, मेरा नाम है मोइनुद्दीन रहमान जी, जय श्री राम जो है हमारा इंडियन है, इंडियन में जो हमारे हिंदू भाई का एक देवता है, उनका बोलने का हक है जी। इनको कोई मुस्लिम का सर दर्द नहीं है, इन्होंने जो जय श्री राम बोलने से जो त्रिक ब्रिक जो उठ पटांग कर रहा है, इनका राजनीति का एक जरिया है, हमारा मुस्लिम का कोई फर्क नहीं है जय श्री राम से, जय श्री राम बोल सकते हम, बीजेपी कर सकते हम भी, अल्लाह अकबर बोल सकते, कोई हिंदू भाई तो बोला नहीं तुम भाई बीजेपी करो कि नमाज नहीं पढ़ो तुम मुस्लिम छोड़ो, ये तो बोला नहीं। ये जो पश्चिम बंगाल में जय श्री राम जो बोल रहा है वो जो कौन बता रहा है, जो यहाँ का CM है वो तो बोल रहा है, आप बता सकेंगे कोई मुस्लिम इसका विरोध किया है? नहीं, मुस्लिम नहीं किया है, लेकिन आप लोग को कोई समस्या नहीं है कोई जय श्री राम बोले तो? नहीं नहीं नहीं, हमारा मुस्लिम में सुनते हैं कि और किसी का अल्लाह के अलावा किसी को जय नहीं बोलते हैं। नहीं ये गलत बात है, अभी थोड़ा सा मौका देंगे तो हम बात बताएंगे। बताइए अभी एक अगर हमारा इधर एक हॉस्पिटल है चुचुरा हॉस्पिटल जी जी, और सब डिविजन हॉस्पिटल है जी, तो इसमें से कोई अगर मुस्लिम का एक बोतल ब्लड लगता है तो उसमें 10 हिंदू भाई का बोतल बदन का खून एक मुस्लिम भाई को दे के उसका जान बचाता है, तो इसमें हर्ज क्या है कि हिंदू का बारे ये हमारा उसमें नहीं, हम हिंदू मुसलमान भाई भाई रहेंगे अगला दम तक। ये जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी जो कर रहा है ये जरासर कर रहा है, ये जाति भक्त लेके राजनीति कर रहा है। और एक हम आपका चैनल का जरिया से बताएंगे, जो हमारा साल में एक इधर दुर्गा पूजा होता है, ये पूजा को हिंदू भाई लोग बोलता है सर्वजनियों दुर्गा उत्सव पूजा जी, ये पश्चिम बंगाल में सबसे फेमस पूजा है, सर्वजनियों पूजा है। तो अभी देखिए कुछ चैनल में टीवी में दिखा रहा है अष्टमी में गोरू खाओ और नवमी में पांटा खाओ, ये तो भाई कोई मुस्लिम नहीं बता रहा है, ये सरकार का माध्यम से क्या बताना चाह रहा है? दीदी बोल रहे हैं सर, दीदी नहीं बता रहा, मगर दीदी का सरकार में एक चैनल में बैठ के ये बता रहा, जो एक अष्टमी आता है एक नवमी आता है, अष्टमी नवमी गोरू मतलब गाय, गाय बोल रहे हैं, गो मांसो अष्टमी पकाएंगे और नवमी में हम पाटा का मांसो पकाएंगे, इसका मतलब क्या है? हम इस बात को हम निंदा करते हैं और धिक्कार करते हैं, ये जो बता रहा है मीट मसाला का जैसा, ये क्या सोच रहा बता कि हम मुसलमान को गर्म करेंगे? नहीं नहीं गलत बात है, हम वो नहीं सोचते, क्योंकि सर हमारा साल में एक ईद और बकरीद आता, आप तो जानते सर जी, ईद बकरीद में हमारा बहुत से हिंदू भाई है जो हमारा घर में आके समय खाता है, प्यार से खाता है। ये जो सरकार है पूरा पूरी एक संपदेकता बात बता के, कभी हिंदू कभी मुस्लिम ये बता के 950 चला है, साइलेंट वोटर जो मुस्लिम है इसमें से समझ गया है और हिंदू भाई तो मन से समझ गया है, दो 2000
21 में जो आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल का हिंदू मुसलमान एक होकर एक सरकार आएगा, उस सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आज तक तो कभी रही नहीं, तो ऐसा क्या आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में कुछ और है? मतलब एक तो कोरोना काल में जो राशन मिला ठीक है, और कुछ? सबसे बड़ा बात है जो हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है, हमारा कौम का अंदर में आप भी सुने हैं और देखे हैं, एक तीन तलाक का मुद्दा था जी जी, इसमें से 50% जो हमारा कौम का मोमिन है, मोमिनाथ है, इन लोग मोदी को चाहता है और हम भी मोदी को इतना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है पूरा भारतवर्ष में, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान देखा नहीं। उन्होंने जनधन अकाउंट में 500 रुपया भेजा है, उसका बाद उन्होंने गैस फ्री भेजा है, उसका बाद बहुत सारा है, और एंड में एक कोरोना का वैक्सीन भी भेज रहा है। इन्होंने कभी बोला नहीं कि वो मुस्लिम को दो, उसको हिंदू को दो, तो कभी बोला नहीं। तो जो तीन तलाक हटाया उससे आप लोग ठीक है, प्रसन्न है? इसमें तो हम अपना व्यक्ति तो हम समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं कि ये बहुत बड़ा एक गुस्सा के अंदर एक पारिवारिक संसार टूट जाता था, ये अब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लेके आया है। हम अगर हमारा वाइफ को अगर तलाक बोलने जाएंगे तो हमको मन में डर रहेगा, कि डर प्रशासनिक डर, कोर्ट का डर रहेगा, इसलिए ये आया है। हम गुस्सा में एक बैग 5 मिनट में बोल देंगे तो हमारा 25 साल का जो परिवार है, हमारा जो 3 बच्चे का माँ है, वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा है तो हमको डर रहेगा, ये यहाँ प्रशासन है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पश्चिम बंगाल का कोर्ट है, तो ये डर रहेगा इसमें से थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं? मैं सर 2007 साल से, हमारा जो पश्चिम बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट बालागढ़ मंडल में जो एक व्यक्ति है प्रवीर दास महाशय, उनका हाथ पकड़ के, उन्होंने बहुत बड़ा हिंदू पंडित है जी, उनका हाथ से मैं बीजेपी में आया हूँ। वो कभी बताया नहीं तुम बीजेपी कर रहा है, तुम्हें मुस्लिम छोड़ना होगा, तुम्हें ये करना होगा, ये उसका मन में नहीं है। ये भारतवर्ष एक गणतांत्रिक देश है, ये सबका अधिकार है राजनीति करने का, मगर भारतवर्ष का जो संविधान है उसको मेंटेन करके चल रहा होगा। तो आप 2007 से 8 से जब यहाँ बीजेपी कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं आता था अपने क्षेत्र में? आता तो बहुत, ये जो विरोधी दल वाला है, हमको झूठा केस मार धार तो हुआ, बहुत बार हुआ है। अच्छा। फिर भी हम अकर है, हम लड़ते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है जो हमारा अभी जो प्रधानमंत्री जो कर रहा है भारतवर्ष के लिए। आप भी बोलिए सर, आप तो इतना बड़ा जर्नलिस्ट है और आपका चैनल भी है, आप बताइए हमारा प्रधानमंत्री क्या नहीं किया? वो उन्होंने सोचा पश्चिम बंगाल का जो हालात है और जो माहौल है, ये एक ही इंसान है, एक ही आदमी है, एक ही प्रधानमंत्री है जो इसको सुधार सकेगा, उसका नाम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर भाई नरेंद्र मोदी। अच्छा श्रीराम पे एक बार पुनः आते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा जो पश्चिम बंगाल में 2 दिन का विधानसभा बुलाया गया है, तो उसमें जय श्री राम का जो नारा लगा था उसका निंदा किया जा रहा है। तो जय श्री राम का जो स्वीकार्यता है मुस्लिम समाज में भी है, वो लोग मानते हैं कि हमारे संस्कृति के हैं श्री राम, हमारे पूर्वज ऐसा मानते हैं? फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, जय श्री राम जो है वो हमारा हिंदुस्तान का हिंदू भाई का एक महान आत्मा विश्वास है और उनका देवता है, उनका भगवान है। उन्होंने जो बोल रहा है उनका दिल से जय श्री राम बोला है, इसमें हर्जा कुछ नहीं है। आप बोल सकते हैं? नहीं, हम बोलेंगे भी तो क्या हम हिंदू हो जाएंगे? और कोई हिंदू भाई अगर अल्लाह बोलेगा वो क्या मुस्लिम हो जाएंगे? ये तो नहीं, हम भी बोल सकते, हम बीजेपी करते हैं, हम भी को समस्या नहीं, दीदी को समस्या है, समस्या दीदी को? हाँ। नहीं नहीं, हम एक बात बता सके, हम एक बार नहीं 5 बार बोलेंगे जय श्री राम, क्या हम हिंदू हो जाएंगे? क्या हम 5 बार कोई हिंदू भाई अगर अल्लाह बोलेंगे कोई क्या वो मुसलमान हो जाएंगे? धर्म और कौम दिल से होता है, दिल का अंदर होता है, मगर एक दोस्ती जो होता है आत्मा से, वो हमारा परम्परा प्रीत है।